भाई साहब मुंबई लोकल का स्ट्रगल है, देखो लोगों का। दूसरे ट्रेन पे जाएंगे, भीड़ देखो भाई, जबरदस्त भीड़ है। इस ब्रिज पे आप कभी भी आओगे ना, इसी तरह से भीड़ देखने के लिए मिलेगा भाई। और अभी फास्ट पकड़ के निकलेंगे भाई ताकि जल्दी पहुंच जाएं। ये देखिए इधर कितना ज़्यादा है भाई, और ये सामने बोरीवली स्टेशन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और अभी फिलहाल मैं हूँ बोरीवली एरिया में, और आज मैं करने वाला हूँ एक्सप्लोर मुंबई का बोरीवली एरिया स्लम्स बस्ती, जो झोपड़पट्टी होती है भाई वो एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ऐसे स्टेशन के सामने जो मार्केट लगती है वो भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। और भाई अभी जिस जगह पे मैं हूँ ना, वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है भाई। आप देखो, इस जगह पे मैं पहली बार आया हूँ और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा यहाँ पे आके, देख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ भाई, आप कभी भी आओगे ना तो इस ब्रिज पे खड़ा रहेंगे तो एक साइड आपको छोटी छोटी जो चाले है, जो झोपड़पट्टी है, वो देखने के लिए मिलेगी, और दूसरी ओर आप देखेंगे तो ऊंची ऊंची इमारत और इस लग्जेरियस जो बिल्डिंग होता है वो देखने के लिए मिलेगा। देखिए सामने किस प्रकार से ऊंची ऊंची इमारत बनी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब साफ़ सुथरा इलाका है। और ईस्ट में देखो भाई, ये इस प्रकार से आप सभी को चाल वगैरह देखने के लिए मिलेगा जिसमें आम इंसान का जीवन का गुजर बसर होता है। और इस ब्रिज पे खड़ा हूँ भाई, और इस ब्रिज से घूमते घूमते अभी मैं स्टेशन की ओर जाने वाला हूँ, और स्टेशन का मार्केट भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और भाई इस जगह पे आकर के एक अनुभव मुझे ये मिला, वैसे मैं यहाँ से भाई दिखाऊँ आपको तो कितना तगड़ा झोपड़पट्टी दिखता है भाई। ये देखो कितना ज़बरदस्त झोपड़पट्टी बनी हुई है, और इधर से मैं जा रहा हूँ नीचे की ओर भाई, और सामने देख सकते हो गाड़ी वगैरह चलते हुए आपको दिखेगी। वैसे आप कभी इस ब्रिज पे आएंगे ना तो आप आकर के यहाँ से भाई एक झलक नीचे देखिएगा तो एक आपको वो ज़िंदगी दिखेगी जो मुंबई में बहुत ही स्ट्रगल करती है भाई। वैसे मैं भी इसी तरह छोटी सी रूम पे रहता हूँ और आप सभी को दिखाते रहता हूँ, लेकिन आज सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे, लेकिन भाई सिटी क्या ही एक्सप्लोर करूँ, जब ऐसा दिखता है ना तो सबसे पहले मुझे मन करता है कि ऐसा दिखाऊँ आप सभी को। और सामने देखो भाई ये जो ब्रिज बनी हुई है किस प्रकार से बनी हुई है, इधर से गाड़ी आती जाती है, ऊपर भी ब्रिज बना हुआ है, और सामने का सिटी वगैरह देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा भाई। और अभी यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे मुंबई का बोरीवली स्टेशन है, आओ चलते हैं बोरीवली स्टेशन मार्केट को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं शाम को किस प्रकार से मार्केट लगी रहती है। बोरीवली भाई काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा। और वैसे इधर आप रहना चाहो तो भाई काफ़ी थोड़ा सस्ता है भाई, जिधर मैं रहता हूँ मुंबई सेंट्रल एरिया के उधर तो उधर थोड़ा महंगा, इधर थोड़ा सस्ता है। भाई झोपड़पट्टी में काफ़ी ज़्यादा घूमे, और अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ बोरीवली ईस्ट में, ये साइड पूरा झोपड़पट्टी एरिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट नहीं कुछ खेल रहे हैं भाई, कबड्डी वबड्डी बॉल वगैरह फेंका फेंकी कुछ न तो कुछ खेल रहा है भाई। और अभी फ़िलहाल ये सामने जो है भाई ये पूरा मार्केट लगती है, आइए मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। और स्टेशन के सामने देख सकते हैं भाई कैसी ज़िंदगी का जीवन का गुजर बसर होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रूम लेने का भी मतलब ये नहीं होता है भाई, सुविधा नहीं होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से स्टेशन के आजू बाजू आपको जब घूमेंगे मुंबई में तो देखने के लिए मिलेगा। और देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी मॉल है, और अंदर भी जा सकते हो एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल मैं स्टेशन के सामने पूरा एक्सप्लोर करूँगा मार्केट, वैसे शाम हो चुकी है तो काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त नज़ारा रहेगा भाई। वैसे अभी बस वगैरह खड़ी है इधर उधर जाने के लिए, शायद बस डिपो वगैरह होगा इधर, इसके लिए खड़ी है भाई। और इसी के सामने स्टेशन है बोरीवली, और पूरा मार्केट वगैरह लगी है, वैसे शायद से ये बस डिपो है भाई, इतना बस वगैरह खड़ी है देख सकते हैं। और इधर देख सकते हो बड़ी बड़ी मॉल है, और अभी मार्केट का नज़ारा दिखाएंगे ना भाई, शाम के समय पे एकदम अलग ही माहौल रहता है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होती है। हाँ भाई सेफ भाई, शाम के समय पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में क्राउड होती है ना, और एक तो बोरीवली भाई बहुत तगड़ा वाला होता है, और एक तो गर्मी का टाइम है मेरे भाई, अभी दोपहर को ज़्यादातर नहीं निकलते हैं ना लोग, अरे इतनी गर्मी में कौन निकलेगा यार, शाम को जाते हैं जो मुंबई में बहुत ही ज़्यादा है भाई बहुत। ये देख सकते हो ये बस डिपो है क्या,
डिपो मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारी बसें खड़ी हैं, तो हो सकता है बस डिपो ही है शायद, पता नहीं भाई। पहले बस यहाँ पे इतनी नहीं खड़ी थी यार, मैं भी दो तीन बार आ चुका हूँ, नहीं देखा हूँ ऐसे, लेकिन इस बार तो ज्यादा ही। चलो भाई चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पूरा, बाकी इधर का हलचल देखो। वैसे बीच बीच से जा रहा हूँ भाई, ये देखिए किस प्रकार से दोनों साइड, ये जैसा लग रहा है जैसे मूवी शूटिंग हो रही है भाई। भाई एक सिर्फ भाई देखो, स्टेशन के बाजू देखोगे तो किस प्रकार से जीवन बसता है भाई साहब, ये जीवन ना बहुत ही सब जगह पे बहुत कठिनाइयों भरा जीवन है, मुंबई में सब जगह पे है ना। थोड़ी कहावत एक सुनी होगी, मुंबई में जितने अमीर है ना उससे कहीं चार गुना ज्यादा लोग वैसे ही है। हाँ भाई, स्टेशन के बाजू आप कभी घूमेंगे तो इसी तरह देखने के लिए मिलेगा भाई। और देखो भाई अभी सब बस लाइन से लाइन खड़ी है, और यहाँ पे पब्लिक भी खड़ी है कि बस कब चालू है और कब निकले भाई। और सेफ भाई जैसे ही जॉब पे से छूटते हो भाई रूम पे हाँ। जाने के लिए एकदम लोग हड़बड़ा जाते हैं थोड़ा सा। एक चीज यहाँ पे और आप नोटिस करोगे हाँ। कि लोगों का धैर्य बहुत ज्यादा होता है, पेशेंस होता है, लोग इंतजार करते हैं खड़े होके लाइन से। देखो ना किस प्रकार से इंतजार कर रहे हैं भाई, कि अगर बस आ रही है जो आगे आया मतलब जो मजबूत है वो चढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। मजबूत हो चाहे कमजोर, लेकिन देखो मुंबई में भाई छोटे बड़े बुजुर्ग सब स्ट्रगल करता है, लोकल में देखो कितना तगड़ा स्ट्रगल करता है। तो भाई फाइनली आ चुका हूँ बोरीवली स्टेशन के सामने भाई, और जैसे ही स्टेशन के सामने आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलेगा, ऑटो काफ़ी ज़्यादा खड़ी रहती है, और इस प्रकार से कुछ बेचते हुए सामान भी दिखेंगे आपको। वैसे फिलहाल मैं अभी मार्केट में जाने वाला हूँ, मेन मार्केट में जहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग आते हैं। वैसे ब्रिज के ऊपर से भी जा सकते थे भाई, ब्रिज के ऊपर से इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये जो अनुभव है एकदम अलग ही अनुभव मिलेगा भाई। और शाम हो चुकी है तो एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आएगा भाई। ये सामने पूरा मार्केट लगी, ये ब्रिज कितना ज़बरदस्त बना हुआ है देखो, कलरफुल, इसे में इसमें भी कलाकृति लोग दिखा देते हैं देखा तो। सही है भाई, अच्छा है, हर जगह कुछ ना कुछ यूनिक मुंबई में देखने के लिए मिलेगा। ये बस स्टॉप है भाई, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बस आए, और लोग पकड़ के इधर उधर जाएँ बस पकड़ के भाई। अब कुछ और मत समझिएगा, सामने देखो पूरा मार्केट लगी है भाई, ये तगड़ा बना हुआ है ये देखो। आओ भाई सामने मार्केट घुमा जाए, किस प्रकार से मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर मार्केट लगती है भाई, इस वीडियो में आप देख लीजिए, क्या ही जबरदस्त मार्केट है भाई। देखिए हर वो सुविधाएं सब चीज मिल जाता है ऑलमोस्ट सब। ये मार्केट को एक्सप्लोर किए हो कभी? मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एक बार, मैं भी आया हूँ बहुत पहले आए थे। और जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे भीड़ होता है, लोग जो जो मुंबई में जॉब करते हैं ना उसका छुट्टी हो जाता है तो इधर से सामान वगैरह लेके जाते हैं भाई। दादर स्टेशन, और अभी इधर से लोकल पकड़ता हूँ भाई, और भीड़ भाड़ देखो भाई कितना ज़बरदस्त भीड़ है। इस ब्रिज पे आप कभी भी आओगे ना इसी तरह से भीड़ देखने के लिए मिलेगा भाई, हजारों लाखों लोग डेली आते जाते हुए दिखेंगे आपको। भीड़ देखो भाई साहब, और अभी फास्ट पकड़ के निकलेंगे भाई ताकि जल्दी पहुँच जाएँ। भाई साहब मुंबई लोकल का स्ट्रगल है देखो लोगों का, ये विरार की गाड़ी है भाई। वैसे आज संडे है भाई साहब, जगह मिल पाना मुश्किल है शायद। सेफ भाई रहने दो, दूसरे ट्रेन पे जाएंगे। भीड़ देखो भाई,
भाई ये मुंबई है भाई, स्ट्रगल बहुत होती है यार। ये देख रहा हूँ कि जगह मिल जाए भाई। चलो दोस्तों अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।